हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज डायग्राम। पहले हमने कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ा, फॉर एग्जांपल बी, बी का क्या साउंड होता है? ब। एम, एम का क्या साउंड होता है? म। टी, टी का क्या साउंड होता है? प। ऐसे अदर कॉन्सोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल च, श, व, थ, ग, और इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैरी, चेयर, शूज, शीप, थैंक यू, वॉस, वेयर, ये वर्ड्स कैसे बनते वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल चीन, अभी हमने चीन रीड किया, तो चीन में क्या आया? च। तो चीन कैसे बना? सी प्लस एड, सी में हम एड एड करेंगे तो क्या बनेगा? च। क्या बनेगा? च, सी एच आई एन, चीन। अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे? चीन। तो सी में हम एड एड करेंगे तो क्या बना? च। तो दो लेटर हम जॉइंट करते हैं तो वो जो न्यू वर्ड्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायग्राम। यहाँ पे अदर वर्ड्स लिखे हुए, चीन, चेयर, चेरी, चीक। ओके, ऐसे अदर और भी वर्ड्स होते हैं जैसे शूज, शीप, ये कैसे बनेंगे वो सीखेंगे। यहाँ में हम श, अभी श कैसे बना? एस, एस में हम एच एड करेंगे तो क्या बनेगा? श। क्या बनेगा? एस एच श। इससे वर्ड्स कौन कौन से बने? शीप, शेप, शूज, शार्क। ऐसे हम टू लेटर्स वर्ड को एड करते हैं तो न्यू वर्ड्स बनता है, उसे हम डायग्राम कहते हैं। डायग्राम के और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एच टी एच, डब्ल्यू से टू, वैन, वॉट, विच, टी एच। टी एच को हम थ भी रीड करते हैं, टी एच को हम द भी रीड करते हैं। टी एच किसी वर्ड्स में टी एच का साउंड थ आता है, किसी वर्ड्स में इसका साउंड द आता है। टी एच थ, तो थैंक, थ्री, थ्रो, थिंग, टी एच द। तो द, दिस, दैन, दैट। ओके, ऐसे ही आपको डायग्राम लर्न करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।